हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं मोनिका और आप देख रहे हैं चैनल कुक विद मोनिका। दोस्तों आज मैं आपसे रेसिपी नहीं शेयर कर रही, मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। कुछ दिनों से मैं वीडियो भी नहीं डाल रही, कुछ लॉकडाउन है, घर पे काम बड़ा हुआ है। और 2 दिन पहले मेरे बेटे का बर्थडे था और हमने बर्थडे लॉकडाउन में कैसे मनाया, क्या क्या बनाया, कैसे बनाया उसका बर्थडे सिंपल सा आपने। और लॉकडाउन में मैंने केक भी बनाया, समोसे भी बनाए, मैंने बहुत सी चीज़ें बनाई। वो जो आम से दिखने वाली समोसा था ना, उस पर बर्थडे पे खाना था, तो वो भी घर पर ही बनाया। तो और क्या क्या बनाया, चलिए मैं आपसे ब्लॉग शेयर करती हूँ, छोटा सा क्लिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। तो आज का दिन है 19 मई का और सबसे पहले उठकर हम बनाएंगे कड़ा प्रसाद, नहाएंगे और भगवान को याद करेंगे। और जब भी कुछ घर में खास ओकेजन होता है, कोई गुरुपुर्व हो, कोई खुशी का दिन हो, जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, तो हम सबसे पहले कड़ा प्रसाद बनाते हैं। कड़ा बनाते हैं, आटे का हलवा बनाते हैं, उसे बाबा जी को खिलाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कड़ा प्रसाद मैं बना रही हूँ और इसका वीडियो, रेसिपी का वीडियो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए, पहली तो शुरुआत कर ली हमने, कड़ा बना लिया, कड़ा प्रसाद बना लिया है। अब हम इसे बाबा जी को खिलाएंगे और उसके बाद बांटेंगे सबको। मैं आगे बताती हूँ आपको और क्या क्या बनाया मैंने। सब नाश्ते में प्रसाद तो लेंगे ही थोड़ा थोड़ा, तो साथ में पोहा बना रही हूँ मैं, क्योंकि बर्थडे पे और भी बहुत सी चीज़ें बनेंगी। लंच में मेरा आलू पूरी का प्लान है, तो सोच में भी लाइट हो जाए, ब्रेकफास्ट तो अच्छा है, तो पोहा लाइट रहेगा। थोड़ा कड़ा प्रसाद खा लेंगे, साथ में चाय पी लेंगे, या जिसने दूध पीना है, बड़े अगर दूध पीते हैं तो वो दूध पियेंगे। तो देखिए मैं बना रही हूँ पोहा, इसमें कड़ी पत्ता, राई वगैरह डाल दी है और थोड़े से फ्रोजन मैं मटर डाल रही हूँ इसमें, फ्रोजन कॉर्न डाल रही हूँ और किशमिश भी डालूंगी थोड़ी सी। और मूंगफलियाँ मैंने पहले ही तल कर रख ली हैं। अब देखिए प्याज हमारे पक गए हैं, तो मैंने किशमिश डाली है, पहले नहीं डाली। और पोहा बड़ा सिंपल मील रहता है और पेट भी बहुत जल्दी भर जाता है और ये बनता भी बहुत जल्दी है। मुझे जब लगता है कि आज यार बहुत हल्का खाना बनाने का मन है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो मैं प्रेफर करती हूँ मैं पोहा बनाऊँ, क्योंकि खाने में अच्छा लगता है, बनाने में इजी है और खाने वाले को भी अच्छा लगता है। तो पोहा मेरा देखिए बातों ही बातों में बन गया। बस इस पर थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे, अगर आपको उसके ऊपर भुजिया सेव डालकर खानी अच्छी लगती है वो डाल सकते हैं। सर्व करेंगे तो ऊपर मूँगफलियाँ, भुजिया सेव डालकर सर्व करेंगे। और सबको खाना खिला चुकी हूँ मैं, अब मैं बहुत थक गई हूँ, थक क्या गई हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे भूख भी लगी सुबह उठे हुए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते आपको बर्तन सफाई भी साथ के साथ करनी पड़ती है, एक एक बर्तन बार बार मांजना पड़ता है। तो मेरी नाश्ते की प्लेट है, तो पहले ही खाऊंगी और रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे लंच भी तैयार करना है और केक की प्लानिंग भी मैंने की हुई है कि मैं आज केक बनाऊंगी। वैसे केक बाजार से भी आएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लग रहा है कि नहीं यार बेटे का बर्थडे है तो केक मंगा ही लेता हूँ, तो वो मंगा रहे हैं, लेकिन मैं भी थोड़ी तैयारी कर रही हूँ, चॉकलेट केक बनाऊंगी। और बातों बातों में सोचू मैं, देखिए आपसे रूबरू भी हो जाती हूँ, तो ये देखिए तैयारी मैंने की हुई है, रसोई पीछे से बहुत गंदी है तो छुपा रही हूँ मैं आगे होके, और मैंने सब चीज़ें रेडी रखी हुई हैं, तो केक बना रही हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगी, लंच की तैयारी करूंगी। ये मैंने बटर पेपर बनाया घर पर ही, बहुत इजी रहता है, इससे केक निकालना के वक्त केक जो तला पतला होता है ना केक टिन का, तो चिपक जाता है, तो बटर पेपर से इजी रहता है। तो पहले बटर पेपर लगा लेती हूँ, फिर केक बना रही हूँ। अगर आप केक देखिएगा, आपको केक अच्छा लगा तो मैं केक कैसे बनाया इसका वीडियो शेयर करूंगी आपसे, रेसिपी का। अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए रेसिपी नहीं बता रही, बस ये लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को मैं पहले बीट कर रही हूँ और अब मैं इसमें ड्राई इंग्रीडियंट्स ऐड कर रही हूँ। छान कर ऐड करने से फ्लफी और अच्छा बनता है केक। केक के बैटर को मिक्स कर लिया है, मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ तो कोकोआ पाउडर डाला है मैंने इसमें, तो बस इसे मिक्स कर दिया। और हमारा जो अवन में बनाऊंगी, अवन मेरा प्री हीट हो रहा है, तो इसे डाल देती हूँ मैं केक के टिन में और इसे बनने के लिए रख दूंगी। अब केक हमने बना लिया, नाश्ता मैंने कर लिया, अब केक मेरा बेक होता रहेगा, तो बस इसे मैं रखूंगी अवन में, तो बाद में मैं लंच की तरफ बढ़ जाऊंगी। लंच के लिए भी मैंने तैयारी की हुई है, आलू मैंने सवेरे उठते ही उबाल दिए थे, तो आलू उबले रखे हैं। ये देखिए अदरक काट लिया मैंने, ये हैंडी चॉपर में, और सब शीशियों में ही दिखा रही हूँ आपको, अभी प्लेट में डाल के दिखाने का टाइम नहीं है। हींग है, जीरा है, टमाटर मिक्सी में पीस लिए हैं। आलू पूड़ी बनाने का प्लान है, क्योंकि मेरे बेटे को आलू पूड़ी अच्छी लगती है, तो आलू पूड़ी बनेगी लंच में और साथ में बनेगा रायता। ये देखिए थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है और ये सारे मसाले डाल दिए। आलू की सब्जी की रेसिपी भी मैंने कई बार शेयर की हुई है, तो आलू बन रहे। अगर मेरी डॉटर का बर्थडे होता तो मैं छोले बनाती, क्योंकि उसे छोले पूड़ी खाने अच्छे लगते हैं, छोले पूड़ी भी नहीं, वो कहती अगर छोले बन रहे तो भटूरे बनने चाहिए, तो उसके लिए भटूरे छोले बनते हैं, बेटे को आलू पूड़ी अच्छी लगती है। तो ये हमारे मसालेदार सूखे आलू बन रहे हैं, और जो अगर मेरी सिस्टर आसपास होती, मेरी सिस्टर जय सुपर कौर सब जानते हैं उसे, तो वो कहती है सूखे आलू निकाल ले मेरे लिए पानी डालने से पहले, उसे बहुत अच्छे लगते हैं मसाला आलू। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया, अब इसमें ये तरी वाले हमारे पूरी वाले आलू पसंदीदा मेरे को बहुत पसंद है बन गए हैं,
और ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी बन रही हैं। पूड़ी थोड़ी मैं बड़ी बनाती हूँ, जब मैं आलू पूड़ी ऐसे बनाती हूँ लंच के लिए स्पेशली, तो पूड़ियाँ जैसे अमृतसरी पूड़ियाँ होती हैं ना बड़ी बड़ी, वैसी बनाती हूँ। और ये मेरी प्लेट है, इसमें मैंने मिर्ची डाली, इसका वीडियो शेयर किया था, आप लोग देख नहीं रहे यार, ये बहुत बढ़िया मिर्चें हैं, 2 मिनट में बन गई। ये इंस्टेंट चिली पिकल है, आलू पूड़ी रायता है, तो मेरा लंच रेडी है। हलवा यानी कड़ा प्रसाद हमने सुबह मीठा बहुत खाया हुआ है, तो लंच में हम कुछ मीठा नहीं खा रहे हैं, जिसका मन है टॉफ़ी चॉकलेट खा सकता है। तो ये हमारा लंच फेवरेट मील मेरे बेटे का, वो भी मैंने बना लिया है। और साथ ही हमारा देखिए केक बेक हो गया है, और इसकी जब हम ये निकाल देते हैं, इसे मैंने निकाल लिया टिन से, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छा मॉइस्ट और सॉफ्ट केक बना है हमारा, चॉकलेट केक। अभी इसके और ठंडा करके इसकी आइसिंग करेंगे। केक की आइसिंग करने के लिए मैंने केक के 2 हिस्से कर लिए, इसको बीच में से चाकू से काट लिया, थोड़ा सीधा नहीं कटा, क्योंकि आप मुझे जज मत कीजिए, क्योंकि मैं बेकर नहीं हूँ, आई एम अ देसी होम मेकर एंड देसी फूड मेकर यू कैन से। तो ये देखिए मैंने इंस्टेंट सी चॉकलेट सिरप बनाया, क्योंकि मेरे पास डार्क चॉकलेट नहीं है, तो मैंने कोको पाउडर से ये इंस्टेंट चॉकलेट सॉस बनाई है, जो कि मैं इस चॉकलेट केक के अंदर फिल करूंगी। ये सिरप पहले डाल रही हूँ ताकि केक मॉइस्चर रहे, फिर इसमें हम डालेंगे चॉकलेट सॉस थोड़ी सी, और साथ में व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम बहुत ज़रूरी है, व्हिप्ड क्रीम से ही मेरी डॉटर ने कहा है अगर केक बनना चाहिए तो उसमें बहुत सारी व्हिप्ड क्रीम होनी चाहिए, ताकि मैं उसे सॉफ्ट मतलब उसे खाने में मज़ा आए। तो ये व्हिप्ड क्रीम लगा रही हूँ खूब सारी। इस वक्त किचन में मुझे गर्मी भी बहुत लग रही है, केक में आइसिंग करें, साथ में मैंने खीर पकने रखी हुई है डिनर के लिए। शाम को हम लोग मीठे में खीर खाने वाले हैं, तो ये रबड़ी वाली खीर बनानी है, जो कि गाढ़ी होगी, दूध को पकाएंगे, खूब सारा दूध लेंगे, गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी खीर बनाने वाली हूँ आज मैं। और ये देखिए मैंने इसमें चॉकलेट सिरप भी लगा दिया है, वर्मीसेली भी लगा दी चॉकलेट की, और ऊपर दूसरा हमने केक का स्लाइस रख दिया। अब मैं इसे आइसिंग करूंगी, और ये पूरा वीडियो मैं आइसिंग वाला आपसे अभी नहीं शेयर करूंगी, आप कहेंगे तो मैं बाद में शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसे आइसिंग करके मैं फाइनल आपको इसका दिखाऊंगी। अब हम केक बना चुके हैं, मैंने फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए, और ये समोसे वाला आटा मैंने गूंद दिया था दोपहर में, थोड़ा ढीला हो गया, रखे रखे आलू उबले सुबह के ही रखे हुए, क्योंकि मैं अभी समोसे बनाने वाली हूँ, मेरे बेटे का समोसे खाने का मन है। और ये थोड़ा चिकन रखा हुआ है, आप कहेंगे बर्थडे पे चिकन, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो बर्थडे एनिवर्सरी पे भी चिकन ज़रूर खाते हैं। मैं देखिए फटाफट से समोसे की फिलिंग भी बना रही हूँ, अब शाम हो गई है, मेरा हुलिया बदल गया थोड़ा सा, और मैं बिल्कुल थकी हुई हूँ, आप देख सकते हैं किचन का हाल भी ऐसे ही हो रखा है, क्योंकि बर्तन मांज रही हूँ घूम घूम के, साथ साथ मैं काम कर रही हूँ। तो इस समोसे की फिलिंग बना रही हूँ मैं, और मेरी रोज़ की रूटीन है, जब से हम लॉकडाउन हुआ है तो यही होता है, एक हाथ मेरा किचन में कढ़ाई में होता है, और हाथ बार बार मुड़ मुड़ के मैं बर्तन भी मांजती रहती हूँ। तो ये नमकदानी से ही मसाले मैंने डाल दिए हैं, और हमारी समोसे की फिलिंग बहुत टेस्टी तैयार होगी। जब ये मैंने बेटे को ये जो स्टफिंग है टेस्ट कराई, बहुत खुश हुआ गया था, मम्मी आप मुझे ना टिफिन में स्कूल में भी समोसे देना, आप अच्छे समोसे बनाते हो उसे पसंद आए। तो ये देखिए समोसा मैंने एक फोल्ड भी कर लिया है, तो समोसे बनाइए, इससे 5-6 बना लूंगी मैं पहले एक साथ तलने के लिए, और ये क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे समोसे बन जाएंगे। वैसे आटा ढीला हो गया, बहुत देर से गूंद के रखा हुआ था मैंने, तो क्या हुआ कि मैं थोड़ी देर आराम करने चली गई लंच करने के बाद, रसोई में सफाई करने के बाद, तो थोड़ा सा आटा बेचारा बाहर गर्मी में रखा रह गया। ये देखिए समोसे हमारे फिर भी अच्छे बन रहे हैं, ये क्रिस्पी और करारे समोसे मेरे बनने वाले हैं, और ये काफ़ी देर से तेल में रखे हुए थे मैंने, पक गए लगते हैं। तो देखिए खस्ता समोसे बन गए हैं, जो कि बहुत टेस्टी भी हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, समोसा तल रहे हैं, और घर पूरा ना हलवाई वाली महक से भर गया है। ये मैं गर्मा गर्म समोसा साथ में खा रही हूँ, छोटा जो छोटा सा समोसा मैंने बाद में बनाया था जो बच गया था थोड़ा सा, तो ये तो समोसे गर्म गर्म का अपना मज़ा है, तो मैं एक गर्मा गर्म खा गई हूँ। ये देखिए अब ये मैं मसाला बना रही हूँ डिनर के लिए, और कढ़ाई मत देखिए बहुत पुरानी कढ़ाई है, और ये साथ में बन रहा है शाही पनीर, वेज डिश बन रही है शाही पनीर, और नॉन वेज में मटन बिरयानी। बर्थडे पे मटन खा लेते हैं यार, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो बर्थडे एनिवर्सरीज अगर पार्टी वाला माहौल होता है तो नॉनवेज जरूर खाते हैं। मेरे बेटे ने फरमाइश की है घर में, मेरी बेटी ने हस्बैंड ने फरमाइश की है कि उन्हें मटन बिरयानी खानी है, तो मैं वही बनाऊंगी जो सब कहेंगे। तो देखिए यखनी बन गई है मटन की, और ये शाही पनीर की ग्रेवी भी पक गई है, तो इसे ढककर रखा हुआ था मैंने, इसमें डाल देते हैं पनीर और क्रीम, तो हमारा बढ़िया सा शाही पनीर भी बन गया है, साथ में पतले पतले मैं पराठे बना लूंगी, तो ये हमारे जो है डिनर भी कंप्लीट हो जाएगा। ढककर रख देती हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट बन गया, और हमारा केक भी मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, उसको थोड़ा फाइनल टच देना है, थोड़ी सी उसकी और डेकोरेशन करनी है, तो अभी पनीर को ज़्यादा नहीं कुक करना चाहिए ग्रेवी में ऐड करने के बाद, गैस को बंद करते हैं। और अब शाम के 7:30 बज रहे हैं, मैं केक निकाल रही हूँ फ्रिज से, देखिए कितना बढ़िया, मेरी डॉटर ने फ्लैग बना दिया हैप्पी बर्थडे दमनदीप, और आयरन मैन लेके आया हैप्पी बर्थडे का जो ये फ्लैग है।
केक की थीम मैंने आयरन मैन रखी है क्योंकि एवेंजर्स आयरन मैन मेरे बेटे का फेवरेट है और रेड कलर ही उसी से मिलता जुलता है, इसीलिए रेड केक बनाया है। और ये स्पाइडर मैन है ना, इसको भी बैठा देती हूँ। मैंने बहुत अच्छे से इसे साफ कर लिया है और इसे भी मैं यहाँ बैठा देती हूँ। साथ में दोनों आ गए हैं। तो केक हमारा रेडी है, शाम हो गई है, केक काटने का टाइम हो गया, तो चलिए केक काटते हैं। तो ये देखिए काफी सारे लोग विश करने आए हैं। थॉर आया है, साथ में ये बैटमैन है, हल्क भी आया है और थैनस को बुला लिया, हालांकि दूसरी पार्टी का बंदा है, इसे बुला लिया। ग्रिंच है पीछे, साथ में आया ये कौन था, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडर मैन और ये ब्लैक पैंथर का, नहीं ये भी कोई वही लग रहा है, इनका क्या कहते हैं, बैटमैन ही था शायद। और ये एक और केक जो मेरे हस्बैंड ने मंगाया ये है, ये गेम ऑफ थ्रोन्स का केक। तो ये ट्रफल केक है, चॉकलेट ट्रफल केक। और ये बाकी वाले को छुप के भाग गया, उसको दिख रहा है मम्मी बना रही है वीडियो। और ये मेरी डॉटर भी अपने डैब से वीडियो बनाने लग गई है। तो सारी टीम आ गई विश करने। और समोसे बेचारे कैसे बोल सकते हैं, मीठी चटनी समोसे टेबल तैयार है। ज़्यादा बहुत चीज़ें नहीं है क्योंकि बाजार से कुछ नहीं मंगाना था, केक को मंगा ही लिया, बाकी घर पे तो इतना ही बना सकते हैं। तो हमने केक काटा और ये देखिए मेरा बेटा है तो इसे मैंने केक खिलाया। और मेरी डॉटर जो है मस्ती करने से बाहर नहीं आई, वो मुँह पर रंग लगा रही है, केक की क्रीम लगा रही है। तो मेरे बेटे को केक बहुत पसंद आया, वो कह रहे हैं मम्मी मैंने सोचा नहीं था आप ऐसे बनाओगे, मैं सिंपल सोच रहा था। मेरी मेहनत रंग लाई, केक सबको पसंद आया। देखिए पार्टी पॉपर्स भी, ये जो क्या कहते हैं, दोनों ने बिल्कुल इसे ब्लास्ट किया और इतना ज़्यादा चमकीला घर में भर गया था कि मुझे झाड़ू मारने में 2 घंटे लग गए, सच में मेरी कसरत हो गई। ये देखिए केक मैं आपको काट कर भी दिखा रही हूँ, ये हमारा है होममेड केक आयरन मैन थीम का, और जिस पर मैंने आयरन मैन लेके आया है, साथ में स्पाइडर मैन है। और ये केक खाने में भी अच्छा बना, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और अब मैं थक गई हूँ, बहुत देर हो गई, रात के 10 बज गए। मुझे ऐसे आपको बताया ना, अभी पार्टी में इतना इन्होंने वो पार्टी पॉपर से कचरा फैलाया था, मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा झाड़ू पोछा करने में लग गया। अब मैं डिनर की तरफ बढ़ गई हूँ। बिरयानी मैंने फटाफट से यखनी वाली बिरयानी बना दी है मटन की, साथ में शाही पनीर रेडी है। ये प्याज और पुदीने का रायता है, बारीक बारीक प्याज और पुदीना है, और इसमें थोड़ी काली मिर्च है, भुना जीरा है, नमक है, काला नमक है। और ये हमारा रायता भी रेडी है बिरयानी के साथ खाने के लिए। और ये रबड़ी वाली खीर भी रेडी है, जिसमें दूध को खूब अच्छे से पकाकर मैंने रबड़ी वाली खीर बनाई है। इसमें मलाई भी डाली है, मलाई रबड़ी खीर है, तो ये भी सबको बहुत पसंद आई। तो ठंडी ठंडी खीर खाने के बाद खाने को सबको मिली, तो सबको मज़ा भी बहुत आया। देखिए इस तरह से सबने डिनर एंजॉय किया, हालांकि ये सिंपल मील है, मटन बिरयानी है, साथ में शाही पनीर है, समोसे हैं, केक है, और क्या क्या चाहिए। हमारी पार्टी अच्छी रही और आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये छोटी छोटी ग्लिम्पसेस मैंने आपसे जो शेयर की आपको अच्छी लगी होंगी। आपसे फिर मिलूंगी, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।